नमस्कार दर्शकों, पेंटिंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल कवर बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने ये कपड़ा कट करके जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा ये कपड़ा ले लिया और उसको मैंने पहले धोकर सुखाकर प्रेस कर लिया है और उसके ऊपर ये लाइनें खींच ली है। सबसे पहले मैंने इसका सेंटर पॉइंट निकाला और इसके फिर दो दो इंच की दूरी पर इधर और दो दो इंच की दूरी पर इधर, दो दो इंच की दूरी पर इधर और दो दो इंच की दूरी पर इधर निशान लगा लिए। फिर उनको इस तरह से लाइनों में बांट लिया, लाइनें खींच दी। ये इस तरह से वर्गाकार बन गई। जिसकी चारों लाइनें बराबर होती हैं वो वर्गाकार होता है ना, यानी स्क्वायर। तो इस तरह से ये निशान बना लिए हमने। अब इसके एक हिस्से को मैं बना के दिखा देती हूँ। सारे के सारे वैसे ही बने हैं। इसके लिए मैंने ये तीन 3D आउटलाइनर लिए हैं फेविक्रिल के, हरा, पीला और सफेद। और एक ये कलर लिया है पर्ल मेटालिक कॉपर 553 नंबर का, और ये फ्लैट ब्रश ली है मैंने 6 नंबर की। इन्हीं की मदद से आज इसको पूरा करूंगी। तो इसके शुरुआत करते हैं। पहले सफेद कलर से ये बाहर की लाइनें हैं, इन पे कर दिया। बोतल के ऊपर हम यहाँ से अंगूठे से जो थोड़ा सा दबाव डालते हैं वो एक जैसा हो, और इसको इस तरह से यहाँ तक ले जाते हैं तो चलाने की जो हमारी स्पीड है वो भी लिमिट हो, लिमिट में रखें, एक जैसी रखें, तो ये एक जैसा ही आएगा। यहाँ बीच में सफेद कलर लगाया, अब यहां ये हरा कलर है। जब भी ये चलाना स्टार्ट करें तो पहले किसी रफ कपड़े पर, जो भी पुराना कपड़ा हम पास में रखते हैं उसके ऊपर पहले थोड़ा सा चलाकर देख लें इसको, उसके बाद यहां यूज करें। इस तरह से हमने ये सारे के सारे कंप्लीट किए हैं।
तो अब ये सारे के सारे इसी तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जो इस तरह से थोड़ी थोड़ी बचे हुए हैं उनको हम फ्रेम हटा के फ्रेम दोबारा लगा के फिर इनको कंप्लीट कर लेते हैं, जो फ्रेम के अंदर नहीं आए उनको। जब ये सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस कपड़े को हमने क्लिप बोर्ड के ऊपर इस तरह पुराने कपड़े रखे कहीं तय करके और उसके ऊपर क्लिप से इस तरह से इसको सेट कर दिया। अब इसके ऊपर हम ये दूसरा कलर जो मैंने दिखाया था उससे हम इसके चारों तरफ बॉर्डर के लाइन खींचेंगे। इस तरह से चारों तरफ इसी तरह खींचनी है। इसके चारों तरफ इस तरह से इसका ये बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है। आप भी बनाकर देखिए कैसा बनता है आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।